कैंपस करंट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज के दिन आपका हमराज आरजे अभिनव। चल रही है बुक डेल कार्नेगी की, अच्छा बोलने की कला, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। कल की बात आगे बढ़ाते हुए उसी अध्याय में अब आगे बात करता हूं जहां हम बात कर रहे थे संकेतों से जुड़े सत्य की। विचारों को मजबूती देने और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में संकेतों और अंदाज की अहम भूमिका होती है। विचारों के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश को बलपूर्वक व्याख्यान, संकेतों के जरिए प्रस्तुतिकरण, स्वर में बदलाव, चेहरे के हाव-भाव और सिर हाथ या पैर को झटका देकर उस उद्देश्य को हासिल किया जाता है। भाषण के दौरान शरीर की मुद्रा बदलना भी प्रभावशाली अंदाज माना जाता है। यदि सड़क पर टहलते वक्त लोगों का ध्यान आपकी चाल की ओर आकर्षित होता है तो जाहिर है कि आपके व्यक्तित्व के मुकाबले चलने का ढंग लोगों पर ज़्यादा असर डाल रहा है। अतः चाल में बदलाव की आवश्यकता है। क्या आपने कभी ऐसे वक्ता को सुना है जिसके विचार चाहे समझ में आए या ना आए लेकिन बोलने के अंदाज भसीभूत करने के योग्य हों? ऐसा संभव नहीं है। दरअसल बनावटी अंदाज से कमज़ोर विचारों को आकर्षित नहीं बनाया जा सकता। अंतर्मन से उत्पन्न विचारों का भाव संदेश में छुपी सच्चाई और गहराई को प्रदर्शित करता है। इन दोनों के मिश्रण से सत्यता प्रमाणित होती है। भाषण के बनावटी अंदाज के अभ्यास और अभिनय करने के प्रयास से दर्शकों को खोखलेपन का एहसास होने लगता है। अलग अंदाज या नज़ाकत से चलने के लिए सरस या फैशन शो का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर नज़ाकत से चलना खलता है। हाथ पैरों को थिरकाने के लिए नाचने के मंच तैयार किए जाते हैं। बिना वजह हाथ पैर थिरकना अच्छा नहीं लगता। बिना किसी मौके के नज़ाकत और दक्षता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। याद रखें, यदि आपके जूते, उच्चारण का तरीका और अंदाज लोगों का बेवजह ध्यान खींच रहे हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यदि भाषण के दौरान वक्ता ने प्रभावशाली भाव विकट किए हैं तो दर्शक जरूर कहेंगे, क्या शानदार तरीके से बयान किया है, बात एकदम ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनके विचारों का समर्थन करता हूँ। भाव महत्व के मुताबिक होना चाहिए। मंझे हुए कलाकार और वक्ता को पहले से मालूम नहीं होता कि वो किस विचार पर कैसा भाव और अंदाज अपनाएगा। भाषण के दौरान आज प्रस्तुत किए गए भाव अगले भाषण में बिल्कुल अलग हो सकते हैं। दरअसल मंझे हुए कलाकारों और वक्ताओं के भाव दिन के मिजाज पर आधारित होते हैं। इसमें आवेग और बुद्धिमानी की भी अहम भूमिका होती है। बुद्धिमानी शब्द पर विशेष ध्यान दें। प्रकृति भी हर बार एक जैसा सूर्योदय और बर्फ की चादरें नहीं बिछाती। इसी प्रकार एक निपुण वक्ता भी हर बार एक जैसा अंदाज और भाव पेश नहीं करता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदाज और भाव के बारे में सोचा ही नहीं जाए, बल्कि यदि ऐसा होता तो हम आगे बात नहीं बढ़ाते और इस अध्याय की आवश्यकता ही क्यों होती। जब कमांडर टुकड़ी के किसी जवान की ओर इशारा कर रहा कर उसे एक कदम आगे आने को कहता है तो कमांडर की मंशा केवल उसी जवान को नसीहत देने की होती है। इसी प्रकार सर्वजन के समक्ष बोलने की कला सीखने वाले व्यक्ति को सभी आवश्यक प्रतिभाओं का आकलन करते रहना चाहिए। यदि किसी एक प्रतिभा को विकसित करने में ज़्यादा कठिनाई हो रही है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, पहले उसके अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषण देने की कला से संबंधित सभी सिद्धांतों को याद कीजिए। पहचानिए कि किस मौके पर भाषण में नीरसता, व्यर्थता, भद्दापन जैसे खोट महसूस हो रहे हैं। इन कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास कीजिए। एक कमी दोबारा न दोहराने का प्रयास कीजिए। आत्मचेतन और स्वयं की चेतना को समझना अलग अलग मुद्दे हैं। ये वक्ता के विवेक पर आधारित होता है कि भाषण के दौरान स्वाभाविक अंदाज और भाव कैसे विकसित किए जाएं और किस प्रकार अभ्यास के लिए समय निकाला जाए। हर असाधारण कलाकार और वक्ता ध्यान से अनुसरण करता है, सीखता है और अभ्यास करता है, साथ ही भाव में स्वाभाविकता लाने के लिए निरंतर जी तोड़ मेहनत करता है। ये अभ्यास तभी सफल माना जाता है जब अभिनय करते वक्त भाव स्वाभाविक हो जाए और बोलते वक्त सही उच्चारण के लिए सोचना ना पड़े। मंच पर अभिनय करने वाले कलाकार और भाषण देने वाले वक्ता में एक ही भाव को कई तरह से व्यक्त करने का गुण होना चाहिए। दरअसल भावों को व्यक्त करने के भिन्न तरीकों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए भाव व्यक्त करने की सूची तैयार करने से अच्छा है स्वाभाविक रूप से भाव पैदा करने की कला का निरंतर अभ्यास किया जाए। इस कला में निपुण होने के लिए निरंतर अभ्यास की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भाव में एकरूपता नहीं होनी चाहिए। भुना हुआ मांस बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हो सकता है लेकिन इसे सुबह शाम के खाने का जरूरी हिस्सा बना लेना संभव नहीं है। एक ही तरह के भोजन से व्यक्ति बहुत जल्दी उगता जाता है। इसी प्रकार एक जैसे भाव दर्शकों में ऊब पैदा करते हैं। भाव में विविधता लाने की कोशिश कीजिए। एकरूपता से सुंदरता और आकर्षण फीका पड़ने लगता है। भाषण के बीच की महत्वहीन कड़ी कमजोरी को जन्म देती है। बेचैनी भी एक भाव है। बेचैनी जैसे कई निरर्थक भाव दर्शकों का मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। किसी राष्ट्रीय नेता के भाषण के दौरान यदि दरबान खिड़कियां बंद करने लगे तो जाहिर तौर पर इस ओर ध्यान आकर्षित होगा।
मंच के कोने में खड़ा गायक समूह यदि गाते वक्त कुछ विशेष अदाओं का इस्तेमाल करता है तो दर्शकों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वज किसी चलती रेंगती चीज को खतरे के समान मानते थे। इस आदत को हम आज तक नहीं भुला सके हैं। विज्ञापन करने वाली कंपनियां आज भी शहरों में तेज रोशनी की किरण घुमाकर इस विधि का इस्तेमाल करती हैं। इसी प्रकार एक बुद्धिमान वक्ता यानी कि बोलने वाला प्रभावशाली इशारों की हलचल से एक ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है, वहीं व्यर्थ इशारों को छुपाकर नकारात्मक प्रभाव पर काबू पाता है। इशारों का इस्तेमाल या तो भाव के साथ होना चाहिए या भाव से पहले, भाव के बाद नहीं। लेडी मैकबेथ ने कहा था, आपकी आंखों, बाहों और शब्दों में स्वागत का भाव झलकना चाहिए। इसके उलट भाव पैदा करने से हास्य की उत्पत्ति होती है। कहिए उधर वो गया, अपने शब्दों को खत्म करने के बाद जाने वाले की ओर इशारा कीजिए। जाहिर तौर पर हास्य का भाव पैदा होगा। छोटे और झटकेदार इशारों से बचिए। कुछ वक्ता उन बैरों की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं जो बख्शीश लेने में कामयाब ना रहे हों। इशारे करते वक्त कंधे से जोर लगाएं, ना कि कोहनी से। ऐसा करने से गति में सरलता और सहजता महसूस होगी। लेकिन इशारों को बहुत धीमी गति से भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वक्ता ध्यान मग्न प्रतीत होगा, जैसे ईश्वर में लीन हो। एक मामूली सटीक बल भाव में जान डाल सकता है। इस प्रभाव को हासिल करने में बनावटी भाव कारगर सिद्ध नहीं होते। हालांकि दर्शकों को भाव में खोट की वजह का पता नहीं लग पाएगा, लेकिन फिर भी कमी जरूर महसूस होगी। चेहरे के भावों का महत्व। कभी फिल्म के पोस्टरों पर कलाकार के भावों को ध्यान से देखा है। समूह गान करने वाली लड़कियों के इस समूह पर गौर से ध्यान दिया जाता है, जिन्हें डर का भाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं। इनका भाव इतना बनावटी होता है कि हंसी आने लगती है। इसी प्रकार किसी प्रसिद्ध कलाकार के डर दर्शाने वाले भावों पर ध्यान दीजिए। कलाकार का चेहरा उतरा हुआ होगा, भौहें तनी हुई होंगी, शरीर सिमटा हुआ होगा और आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा अभिनय करते वक्त कलाकार वास्तव में भयभीत होने की कल्पना करता है। चेहरे की मांसपेशियों से उत्पन्न भाव हाथों के इशारों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। घोड़ा गाड़ी दौड़ाने में हाथों का ज़बरदस्त इस्तेमाल और चीख चिल्लाहट दर्शाने के मुकाबले उदासी से भरा भाव दर्शाना ज़्यादा मुश्किल होता है। आँखों को दिल का रोशनदान माना जाता है। आँखों की चमक के साथ विचारों को भी चमक मिलती है। ज़रूरत से ज़्यादा इशारों का इस्तेमाल ना करें। हकीकत है कि जीवन के उदास लम्हों में इशारों का खास इस्तेमाल नहीं किया जाता। मौत के बाद शोक सभा में मिलने वाले करीबियों, संबंधियों और दोस्तों के से बिना किसी भाव के मिला जाता है। ऐसे मौक़ों पर हाथ मिलाना, गले लगना और उत्साह दिखाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे मौक़ों पर व्यक्ति शांत एवं विचारों में खोया प्रतीत होता है। जोर से हाथ झटकने और चिल्लाने वाले व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखें, गुस्से से लाल आँख और दमकते चेहरे वाला गंभीर व्यक्ति एक ही वार में ढेर कर सकता है। बात का पतंगड़ बनाने में कोई आकर्षण नहीं होता। इन प्राकृतिक सिद्धांतों पर ध्यान दें और अभ्यास करें। शारीरिक मुद्रा। दर्शकों के समक्ष वक्ता का शारीरिक अंदाज हाव भाव से प्रस्तुत किया जाता है। हाव भाव की कला का वास्ता किताबी नियमों से नहीं, बल्कि भाषण के स्वभाव और मैके की नज़ाकत से होता है। सभासद लॉ फॉलेट पैर के अगले हिस्से के बल 3 घंटे तक खड़े रहे और फिर थोड़ा सा झुककर बालों में हाथ फिराते हुए संगठन की जोर जोर से भर्त्सना करने लगे। ये बेहद प्रभावशाली अंदाज था। लेकिन यदि इस अंदाज का इस्तेमाल सड़क बनाने वाली नई मशीन की तारीफ में किया जाए तो यकीनन बेहुदा लगेगा। भड़काऊ और आक्रामक बात कहते वक्त भाव जटिल हो जाते हैं, मुट्ठी भिंच जाती है और शरीर का भार किसी एक पैर पर पहुंच जाता है। किसी ज्वलंत राजनीतिक वाद विवाद में या सड़क पर झड़प के दौरान व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देता कि शरीर का भार कौन से पैर पर है। शांत व सहज संदेश देते समय आमतौर पर शरीर का भार पिछले पैर पर होता है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ना ही ध्यान देना चाहिए। यह स्वाभाविक हरकत है। भाषण देते वक्त सैनिक की तरह एड़ियों को आसपास रखकर सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रैफिक हवलदार की तरह पैर फैलाकर भी खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। खड़े होने का अंदाज स्वाभाविक और सामान्य होना चाहिए। यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमने आपको सलाह दी है कि भाषण देते वक्त मुद्रा और अंदाज स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का अंदाज विकसित करने पर ध्यान ही ना दिया जाए और अभ्यास की महत्ता को नज़रअंदाज किया जाए। मजबूत मांसपेशियों वाले हाथ को हल्की कसरतों से लचीला बनाया जा सकता है। शरीर में लचीलेपन से सहज अंदाज विकसित होता है, जबकि जटिल शरीर कड़े व्यक्तित्व का एहसास कराता है। धसे हुए सीने वाला व्यक्ति कमजोर नजर आता है। इसके विपरीत सुडौल कंधे बाहर की ओर, उभरा सीना और तनी गर्दन वाला व्यक्ति आकर्षक महसूस होता है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर, आत्मविश्वास और लचीलापन प्रभावशाली अंदाज के आधार होते हैं। इन गुणों से भाषण में विविधता आती है और विविधता के बिना भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता।
अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा और भद्दा शरीर होने के बावजूद भाषण की कला के शिखर पर पहुंचने वाला वक्ता मामूली इंसान नहीं हो सकता। केवल शुद्ध आत्मा और साफ विचारों वाला व्यक्ति ही इस मुकाम पर पहुंच सकता है। ऐसे कई अपवाद हर क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। व्यक्तित्व के तेज, गंभीरता, ईमानदारी और विचारों की शुद्धता से दर्शक प्रभावित होते हैं। भद्दे डील-डोल के बावजूद महान वक्ता बनने के लिए अब्राहम लिंकन जैसे गुणों को विकसित करना पड़ता है। दर्शकों के समक्ष प्रभावशाली तरीके से पेश आने का अंदाज सीखने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करें, लेकिन इस अभ्यास को एक सीमा तक ही करना चाहिए। चाल में भद्देपन को दूर करने के लिए शीशे के सामने चलकर देखें और कमी को दूर करने की कोशिश करें। मंच पर उसी सामान्य अंदाज से पेश आएं जैसे घर आए मेहमानों के साथ किया जाता है। यदि आपकी शारीरिक रचना प्रभावशाली नहीं है तो नृत्य का अभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए और बेहतर अंदाज की कल्पना कीजिए। दोबारा कल आप लोगों के पास आऊंगा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर कैंपस कनेक्ट लेकर। बात करेंगे आगे इसी किताब को लेकर जो कि डील करने की किताब है। थैंक यू सो मच।